आज की इस वीडियो में हमको बताएंगे कि आप अपना मार्कशीट कैसे डाउनलोड कर पाएंगे ऑनलाइन बिना किसी डिजी लॉकर का। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो बने हुए हैं जहाँ पे डिजी लॉकर के बारे में बताया गया है और उसमें मार्कशीट जो है लिंक नहीं है तो उसकी वजह से वो नहीं शो करता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह आप बिना डिजी लॉकर का फ्री में अपना मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमको बताते हैं पूरी विस्तार से, इसलिए वीडियो को शुरू में कर दीजिए लाइक। चैनल में पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबा के कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमको बताते हैं। तो मैं हूं मोहम्मद जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं जीशान मॉनिटर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए इस वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इस वेबसाइट पे आ जाना है। अभी ये वेबसाइट तो बिहार का है लेकिन आप अदर स्टेट का मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें अदर स्टेट का भी सर्विस दी गई है। तो कैसे आ जाना इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लीजिए रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले अपने आप को इस पोर्टल पे रजिस्टर होना है। अगर आप पहले किसी भी चीज़ के लिए इस पे रजिस्टर किए हैं या आवासीय या जाति या कोई भी चीज़ अप्लाई के लिए इस पे रजिस्टर किए हैं तो आपको फिर से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। वही एक ही रजिस्टर में आप सारा सर्विस काम कर सकते हैं। तो यहाँ से रजिस्टर कर लीजिए, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहाँ रखिए। कहाँ से अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, उसके इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करके वैलिडेट पे क्लिक कर देना होगा। तो आपका अकाउंट यहाँ से बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाए तो यहाँ पे लॉगिन पे आ जाना। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे और पासवर्ड जो ना आप वहाँ पर रखा था वो पासवर्ड देंगे और यहाँ पे एक कैप्चर है हमारे पास, ये कैप्चर हम दे देंगे। कैप्चर देने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये हम इस पोर्टल का होम पेज है, डैशबोर्ड है, ठीक है। डैशबोर्ड में आ चुके हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर सर्विस। अप्लाई फॉर सर्विस पे आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करिए यहाँ पे आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको व्यू में देख पा रहे हैं स्टेट कौन सा स्टेट से हैं आप, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ ये उड़ीसा के बारे में बताने वाला हूँ, उड़ीसा का मार्कशीट डाउनलोड करना। जो भी स्टेट से आप वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, अगर उस स्टेट में ये सर्विस अभी अवेलेबल होगी तो आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं उड़ीसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने उड़ीसा सेलेक्ट किया यहाँ पे उड़ीसा के दो सर्विस लाइव है, ओरिजिनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक है और दूसरा है इशू ऑफ डुप्लीकेट मार्कशीट। तो चलिए इस पर क्लिक करें डुप्लीकेट मार्कशीट लेना, क्योंकि ओरिजिनल के बाद जो आता है ओरिजिनल फोटो कॉपी उसी को कहते हैं डुप्लीकेट। तो यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम देना है और उसका मेल या फीमेल जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसकी पिता का नाम, उसकी माता का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल, यहाँ पे जिस भी एग्जाम का मतलब अगर इंटर का चाहिए या मेट्रिक का चाहिए, जिसका भी मार्कशीट चाहिए, उसका एग्जामिनेशन रोल नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी नहीं, दे भी सकते नहीं भी दे सकते। उसके बाद नेम ऑफ द एग्जाम, कौन सा एग्जाम है का चाहिए, एनुअल, सेकेंड, जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और वो एग्ज़ाम किस साल पास किया गया था, किस साल, आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज टाइप है, कौन कॉलेज कौन है, जनरल है, जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॉलेज, कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज, कॉलेज का नेम देना है, जरूरी नहीं है, दे भी सकते हैं, मांग रहा है दे सकते हैं, दे दीजिए। उसके रिजल्ट ऑफ स्टेटस, स्टेटस ऑफ रिजल्ट, आप इस एग्जाम में क्या हुए, तो पास फेल, पास हुए तो वो कर लेना है। और यहाँ पे पूछ रहा है आप उस में क्या डिवीजन था आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी हुआ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे क्या था नॉर्मली, जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे पूछ रहा है स्ट्रीम, मतलब कौन सा सब्जेक्ट, जैसे साइंस, आर्ट, जो भी से, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन, जिस दिन अप्लाई करेंगे उस दिन का होगा, जिस दिन आप डाउनलोड के लिए अप्लाई करेंगे सर्टिफिकेट के लिए,
उसके और कैटेगरी आप रेगुलर से एक्स रेगुलर या प्राइवेट से किया से वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेपर डिटेल, अपना पेपर का डिटेल देना है। या फिर सब्जेक्ट कैटेगरी में आ जाना है, कंपलसरी सब्जेक्ट वन सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंपलसरी में आपको कंपलसरी सब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश था, इंग्लिश पेपर वन था, इंग्लिश पेपर टू था, दो जो भी था आपका कंपलसरी सब्जेक्ट वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट अवार्ड ये आपको छोड़ देना, ये भी छोड़ दीजिए और ये भी छोड़ दीजिए, ये भरना नहीं है क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए किस कहाँ किस बोर्ड से होगा, किस बोर्ड अप्लाई जा रहा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये कैप्चर जो आप देख पा रहे हैं, इस कैप्चर को इस बॉक्स में एंटर कर देंगे। तो ये इंटर करने के बाद आप इसको ड्राफ्ट में सेव भी कर सकते हैं, बाद में चाहे तो सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। दोस्तों मैं अभी सबमिट करने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बताने वाला था प्रक्रिया, ठीक है। इस तरह ही आप भी कर सकते हैं, जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो डिटेल होगा वो आप यहाँ से आपका मार्कशीट अपलोड कर दिया जाएगा या आपको मेल पर भी मिल जाएगा। जब आप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे अपना स्टेटस देखने के लिए। यहाँ व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ट्रैक योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई आपने आधा भर के छोड़ दिया तो व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना होगा, किस डेट से किस डेट का आपको चाहिए, क्या क्या अप्लाई किए थे। उसके बाद यहाँ गेट डाटा पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या आप लाइक किए तो वह सारा चीज़ आ जाएगा, और उसका स्टेटस जानने के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसका स्टेटस देख सकते हैं, और यहाँ से आप एनरोलमेंट स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी ऑनलाइन घर बैठे अपना मार्कशीट डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।